आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ हूं मैं जयंति मिश्रा। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय किया गया और इसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की बयार बहना शुरू हो गया। मोदी सरकार लगातार सौगातें दे रही है, क्या मुमकिन हो पाएगा 400 जीतों का प्लान? देखिए हमारी खास पेशकश 400 जीतों प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर में करीब 32,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें एजुकेशन, रेलवे, एविएशन और रोड सेक्टर से जुड़े हुए विकास कार्य शामिल है। पीएम ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन, साथ ही बारामूला स्टेशन के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी भी दिखाई। विकास का इरादा पूरा हो रहा हर वादा, घाटी को सौगात 24 में जम्मू का साथ, एम्स या IIM पूरा होगा 400 का प्रण, रेल से रोड की सौगात बनेंगे जीत के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी से जम्मू दौरे पर हैं। उन्होंने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान का भी उद्घाटन किया। मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। मोदी ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थीं। अब यहां हर सेक्टर में विकास हो रहा है। राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं, घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। पीएम मोदी की बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर को परिवारवाद से मुक्ति मिली, किसान, युवा, नारी शक्ति पर मुझे भरोसा है। पहले की सरकारें परिवार बढ़ाने में जुटी थीं, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते थे। हमने युवाओं के बारे में सोचा, आपकी चिंता की। पिछले 10 साल से हमने देश को आगे बढ़ाया। मैंने IIT, IIM की बात कही थी, वादा पूरा किया। एजुकेशन सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ काम किया। शिक्षा के स्तर पर इतना काम कभी नहीं हुआ। आधुनिक शिक्षा पर रिकॉर्ड बजट दिया। बेटियों को घर के पास ही बेहतर शिक्षा मिली। अब स्कूल सजाए जाते हैं, पहले चलाए जाते थे। जम्मू कश्मीर में अब 12 मेडिकल कॉलेज हैं। अब यहां 1300 सीट से अधिक MBBS सीट हैं। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां 2 एम्स हैं। पहले गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जाते थे। अनुच्छेद 370 विकास में बाधा थी, हमने हटाया। जम्मू कश्मीर संतुलित विकास कर रहा है। अनुच्छेद 370 पर एक फिल्म आने वाली है। मोदी के भाषण के दौरान सभा में कोई बच्ची रो रही थी। पीएम ने कहा, उसे परेशान मत कीजिए, कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे पास होती तो बहुत आशीर्वाद देता। आप लोग विपरीत मौसम में यहाँ बैठे हैं, ये काबिले तारीफ है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है, अगर यहाँ होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। एम्स विजयपुर में 227 एकड़ से ज्यादा एरिया में बना है। यह 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह अस्पताल 720 बिस्तर और 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक से मिलकर बना है। इसमें फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए रेजिडेंशियल, UG और PG हॉस्टल, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी हैं। मोदी ने कहा कि एक टाइम था स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का वक्त है स्कूल सजाए जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी, आज मेडिकल कॉलेज 12 हो गए हैं। 2014 में MBBS की 500 सीटों के मुकाबले 1300 से ज्यादा सीटें हैं।
जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां दो एम्स बन रहे हैं। इसमें से एक का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है। आजादी के बाद अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था। मैंने आपको यहाँ जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी। ये गारंटी पूरी कर दिखाई है। 10 साल में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। जम्मू एम्स कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रो एंटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, बंस और प्लास्टिक सर्जरी जैसी 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी सर्विस के जरिए मरीजों को सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें ICU, इमरजेंसी और ट्रॉमा यूनिट, 20 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, लैब, ब्लड बैंक और फार्मेसी की सुविधाएं भी मिलेंगी। यह अस्पताल दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का भी इस्तेमाल करेगा। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल चलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में MBBS की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक MBBS की सीट यहां पर है। जम्मू में एम्स बड़ी सौगात, 1600 करोड़ की लागत, 227 एकड़ भूमि में निर्माण, 720 बिस्तरों का अस्पताल, 125 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 20 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज। प्रधानमंत्री ने जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। करीब 40,000 वर्ग मीटर में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़ भाड़ के दौरान लगभग 2,000 यात्रियों के लिए एडवांस सर्विसेज से लैस होगा। नया टर्मिनल भवन इको फ्रेंडली होगा। इसके जरिए जम्मू की स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगा, साथ ही पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा। जम्मू एयरपोर्ट क्या बदलेगा? नए टर्मिनल भवन की आधारशिला, 40,000 वर्ग मीटर में नया भवन, 2,000 यात्रियों की नई क्षमता। मोदी ने जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान और नई इलेक्ट्रीफाई बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान ब्लॉक के बीच नई रेल लाइन समेत कई रेल प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन के साथ बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान ब्लॉक इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसमें पूरे मार्ग पर बैलेस्टलेस ट्रैक बनाया गया है। ये ट्रैक बिना गिट्टी के बनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 खारी सुंबर के बीच इसी हिस्से में बनी है। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIT जम्मू, IIM जम्मू, IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIT TDM कांचीपुरम, IIM बोधगया, IIM विशाखापट्टनम, भारतीय कौशल संस्थान IIS कानपुर संस्थानों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 1500 सरकारी कर्मचारियों को जॉब लेटर भी दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रधानमंत्री की मजबूत इच्छा शक्ति के चलते 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया। इसमें यहाँ पिछले 7 दशकों से चले आ रहे अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को खत्म कर सामाजिक और आर्थिक विकास का रोल मॉडल स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय,
अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मंच हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जब देश में वंदे भारत आधुनिक ट्रेन शुरू हुई, इसके शुरुआती रूट में जम्मू कश्मीर को चुना। माता वैष्णो देवी तक पहुंचना आसान बना दिया। गांव की सड़कें हो या नेशनल हाईवे, चौतरफा काम चल रहा है। ये काम जब पूरा होगा तब किसानों और टूरिज्म को लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पीएम मोदी का जम्मू दौरा खास माना जा रहा है। जहां पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी, तो प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम में सभा को संबोधित भी करते नजर आए। पीएम की रैली में हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी वहां से प्रहार किया। परिवारवाद पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अपने विकास में लगे हैं। पीएम ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में किए गए विकास को भी गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। पीएम मोदी ने जम्मू के लिए 32,000 करोड़ से अधिक के विकास की परियोजनाओं की घोषणा की। इनमें से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और कई का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि इस जगह से मेरा 40 साल से ज्यादा पुराना रिश्ता है। उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया कि वे जम्मू कश्मीर को विकसित बनाकर ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि वो भी दिन थे जब जम्मू कश्मीर से सिर्फ निराशाजनक खबरें आती थीं। बम, बंदूकें, अपहरण, अलगाव, ऐसी चीजें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बन गई थीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी भी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती हैं। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को
इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। मोदी बोले, साथियों मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहाँ भाषण देना चाहिए या नहीं। अभी कश्मीर के लोगों से बात करने का मौका मिला। जिस उमंग उत्साह से वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी उनकी बातें सुनता होगा उसका हौसला और विश्वास बुलंद हो जाता होगा। उनको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है। पांच लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके उस बात को सिद्ध कर दिया है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर में उत्साह अभूतपूर्व है। ये उत्साह यात्रा में भी देखा। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही थी तो आपने उसका स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से भी बात की। लाल मोहम्मद ने बताया कि हम पुंछ में रहते हैं, ये बॉर्डर एरिया है। पहले कच्चा घर था जिसके चलते काफी परेशानी होती थी। अब पीएम आवास योजना के तहत मिले 1,30,000 रुपए से पक्का घर बनवा लिया है। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। मैं पूरे पुंछ के आवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी जरा अपने बारे में बताइए, सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से हम एक, मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पहुंच कर रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिट्री के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है और हम, मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ, किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री पीएमएवाई की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। मोदी ने वर्चुअली इनका भी उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के देवप्रयाग उत्तराखंड और अगरतला त्रिपुरा के 2 कैंपस शामिल हैं। केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवन और 13 नए नवोदय विद्यालय भवनों का भी उद्घाटन किया। 5 केंद्रीय विद्यालय परिसर, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास भी किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, घाटी में जो ट्रेन सर्विस शुरू हो रही है उसकी बहुत जरूरत थी। इसकी न केवल टूरिज्म बल्कि लोगों के लिए आवश्यकता थी। घाटी में ट्रेन को लाने के लिए रेलवे ने जो काम किया है उसके लिए मैं रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि कटरा से भी संगलथान तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और हमारे जो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि सड़क उड़ जाती थी, अब रेल जो है हमें कनेक्ट करेगी और जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो सफ़र कर सकेंगे मुल्क के दूसरे इलाकों में। हमारा जो माल है वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया और आज हम इसका पहला कदम देख रहे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू में कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखी। यह डिपो 677 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें मोटर स्प्रिट MS, हाई स्पीड डीजल HSD, सुपीरियर केरोसिन ऑयल SKO, एविएशन टर्बाइन ईंधन ATF, एथेनॉल, बायोडीजल और विंटर ग्रेड HSD के स्टोरेज के लिए लगभग 1,00,000 KL की स्टोरेज क्षमता होगी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को जंबो गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन सवाल ये है कि इतनी सौगातों के बाद 24 का इलेक्शन और उसमें 400 पार का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।